मनोज भाई आप मेरे लिए भगवान थे, उस वक्त आपने मेरा सपोर्ट किया, जिससे शुक्रिया हाथ जोड़कर आपसे चैंपियन अंशु मौर्य को समझा, उसके दर्दों को समझा जो उस वक्त उसके अंदर था, एक बार गिरकर खड़ा और आज मेरे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और महीने के आज मैं 2 से 4 लाख रुपए महीना कमाता हूं और सभी लोग जानते हैं मुझको, प्यार करते हैं। कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु मौर्य। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स इतना ज्यादा मोटिवेट करने वाला हूं, शायद ही आपको किसी यूट्यूबर ने किया होगा। मैं अपनी स्टोरी बताऊं, एक समय था दोस्तों मैं महीने के 2 से 3 लाख रुपए महीना कमा रहा था, जहां पर ना तो लोग मुझे जानते थे, ना पहचानते थे, ना मेरे से मतलब रखते थे, सिर्फ हम यूट्यूब पर पैसा कमा रहे थे, पैसे छाप रहे थे, अपनी जिंदगी जीवन यापन कर रहे थे। अचानक से ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती है कि यूट्यूब ने हमारा चैनल डिलीट कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि उस सिचुएशन से, उस समय से मैं कैसे गुजरा हूं। आज मेरे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी वजह मेरी मेहनत, मेरा पेशेंस, नेवर गिव अप जो एक स्टेटमेंट होता है वो मैंने हमेशा फॉलो किया है, और आप सभी का प्यार। मैंने आपके तरीके से काम किया, आपको सपोर्ट किया, आपको तरीके बताए, तभी आपने मुझे सपोर्ट किया, मुझ जैसे यूट्यूबर को। भले ही कहने में छोटा हूं, लेकिन आज से 7-8 महीने पहले टेक चैंपियन सपोर्ट इस अंशु मौर्य को कोई नहीं जानता था कि कहां है, कौन है, कहां एग्जिस्ट करता है, कोई नहीं जानता था। सिर्फ बड़े बड़े जो क्रिएटर थे, मनोज दे, योगी जी, इन्हीं लोगों को आप लोग जानते थे। लेकिन आज की डेट की बात करूं तो शायद आप उनके नाम पे मेरा भी नाम लेते हैं। कैसे? आज मेरे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी टेक चैंपियन सपोर्ट फैमिली को, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जो मुझे देखते हैं, भले ही मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया, उन लोगों को से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और मेरे इस चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। वैसे तो ये मेरे लिए नया नहीं है, बहुत पुराना है, मैं मिलियन में खेल चुका हूं, लेकिन आज की डेट की बात कर रहा हूं। आज जो प्यार मिल रहा है आपसे, जो ऑडियंस इंटरेक्शन लगाव है मुझे, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैंने हर तरीके को फॉलो किया है यूट्यूब पर। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि एक बार गिरकर दोबारा खड़ा, मेरी बात को नोटिस करना जितने भी नए क्रिएटर हैं। आज मैं दोबारा खड़ा हूं। कैसे? सबसे पहला स्टेटमेंट, नेवर गिव अप। मैंने कभी हारी नहीं माननी, कभी छोड़ा नहीं किसी चीज को। मैं एक यूट्यूबर हूं और हूं, रहूंगा। परेशान था, चैनल डिलीट हुआ, हर जगह दौड़ा, लोगों से हेल्प ली, मदद ली, और उस वक्त जिन इंसान ने मुझे मेरी मदद की, सबसे पहले इंसान थे हमारे, विदाउट उनके पास जाके उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो थे हमारे सबसे पहले टेक्निकल इसरार भाई। मैं उनके पास गया भी नहीं और उन्होंने खुलकर हमें सपोर्ट किया। मैं आज भी उनका ये एहसान मानता हूं और जिंदगी भर मानता रहूंगा, क्योंकि अगर किसी इंसान को ऊंचाइयों पर है, अगर वह नीचे गिर जाता है, वो 2 से 3 लाख रुपए महीना यूट्यूब से कमा रहा है, अगर उसकी इनकम जीरो हो जाती है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो इंसान कैसे जी रहा होगा, कैसे परेशान होगा, कितनी मुश्किलों में होगा। वो चीजें मेरे साथ भी थी, वो हर किसी के साथ आती है, चाहे वो 10,000 वाला सब्सक्राइबर्स हो, क्योंकि मैंने यूट्यूब के एज ए करियर लिया, यूट्यूब के पीछे मैंने जॉब छोड़ी। मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर भी हूं, लेकिन मैंने जॉब छोड़ी और यूट्यूब पर काम किया। इसके बाद मेरा चैनल डिलीट हो जाता है, मैं परेशान होता हूं, लोगों से बात करता हूं, अपनी कम्युनिटी से बात करता हूं, जिस टाइप के चैनल पे मैं काम करता हूं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया,
जो मेरी कम्युनिटी में थे, जो मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स, आज मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, आपको कोई नहीं सपोर्ट करेगा। देन इसके बाद हम यूट्यूब वालों के पास जाते हैं जो यूट्यूब की टिप्स देते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था ऑप्शन। किसी तरीके से हमारे पास बस हमारा चैनल वापस आना चाहिए, क्योंकि नया चैनल पे काम करना, मेहनत करना, उसे ग्रो कराना बहुत ही मुश्किल है। आज की डेट की बात नामुमकिन कुछ नहीं है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने करके दिखाया है, तो नामुमकिन नहीं बोल सकते, लेकिन मुश्किल है। मैंने कांटेक्ट किया, लोगों से बात किया, इसरार भाई से बात की, उन्होंने सबसे पहले आश्वासन दिया और मुझे सपोर्ट किया। जब उन्होंने सपोर्ट किया, मेरे चैनल पे 1500 सब्सक्राइबर थे। सबसे पहला वीडियो मेरा जो है रोहित भाई, रोहित मौर्य है, हमेशा सीखो, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था। उस वक्त उनका भी मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड था, तो सब्सक्राइबर्स आए। मेरे भी जो फैन थे, जो लोग मुझे चाहते थे, वो लोग मुझे प्यार करते थे, देखा वीडियो, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि मैं कंटेंट यूट्यूब से रिलेटेड दे रहा था। मैं चैनल डिलीट हुआ मेरा, जो भी जर्नी थी सारी चीजें शेयर कर रहा था, जो दर्द था वो भी शेयर कर रहा था, कुछ तरीके बता रहा था, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला। देन इसके बाद इसरार भाई भी मुझे सपोर्ट करते हैं, टेक्निकल इसरार, क्योंकि उनके पास मुझे जाना भी नहीं पड़ा और वो खुलकर सपोर्ट किया मुझको, आज मैं उनका एहसान मानता हूं। थैंक यू सो मच इसरार भाई, दिल से शुक्रिया आपका, कि एक गिरे हुए इंसान को जो ऊंचाइयों से गिरा है, दर्द से जूझ रहा है, कोशिशों से परेशान है, अपनी मजबूरियों से परेशान था, उसको आपने अपने चैनल की मदद से लोगों तक अब मेरी बात पहुंचाई। कुछ लोग आए मेरे पास, 500 से 600 700 लोग आए, लेकिन फिर भी मैंने काम किया। देन इसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, इन सब से क्या होगा, मेरे पास इतना बड़ा चैनल था, उसको मैं किसी तरीके से अगर वापस ले आऊं तो मेरी अर्निंग भी होने लगी, मैं वेबसाइट से भी पैसा कमाने लगूं, क्योंकि ट्रेड चैनल पे आप भी जानते हैं पैसा बहुत है, नाम भले नहीं है लेकिन पैसा बहुत था, जिस टाइप के हम चैनल पे काम करते, ठीक है। हमारा चैनल फेसलेस था, वॉइस ओवर था, कभी कभी फेस कैम वीडियो बनाते थे, लेकिन देन इसके बाद हम मनोज दे के पास जाते हैं, मनोज दे आप जानते होंगे, मैं पहले उतना ज्यादा तो जानता था, लेकिन उतना हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि हम लोग खुद ही पैसा कमा रहे हैं ना, जब लोग पैसा कमाने लगते हैं तो वो क्या देखते हैं, कुछ एक यूट्यूब पे थोड़ी ना सीखेगा, वो तो अपने चैनल पे काम करता है। इसके बाद मनोज, उम्मीद थी कि शायद हमारा चैनल वापस आ जाए, बहुत उम्मीद थी भाई, यूट्यूब भाई कोई भी होगा, बड़ा क्रिएटर होगा, वो यही चाहेगा कि यार जो यूट्यूब पे से देते शायद कहीं ना कहीं से सोर्स लगेगा, क्योंकि यूट्यूब के बारे में बता रहे तो नॉलेज इन्हीं को होगी, तो हमें भी लगा कि शायद हमें जो नॉलेज नहीं है वो इनको होगी। हम जाते हैं मनोज दे के पास, अपनी बात रखते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, लेकिन हमारा चैनल वापस नहीं आ सकता है, ऐसा स्टेटमेंट आता है। काफी दुख भी होता है कि चैनल वापस नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हमने चैनल एक बनाया है टेक चैंपियन सपोर्ट नाम से, सपोर्ट हमने लगा दिया, टेक चैंपियन पुराना था, सपोर्ट वही, लोगो वही था, सिर्फ सपोर्ट हमने लिख दिया। और इसके बाद मेरी बात को गौर से समझना, अगर इग्नोर कर दिया तो भाई देखो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं, गिर के खड़े होने, एक बार मुंह भरा गिरा हूं, यह पता है आपको, जमीन में मुंह गिरा है, एक बार ऊंचाइयों पर था, जमीन पे गिरा है, और आज फिर से खड़ा है आप लोगों के प्यार और मेरी मेहनत की वजह से, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना, ऐसे तो मैं खड़ा नहीं हुआ। इसके बाद मैं मनोज भाई के पास गया, अपनी स्टोरी बताया, जो भी है मनोज भाई जानते थे, पहले बात हुई फोन पे, लेकिन ऐसे सपोर्ट नहीं किया, मनोज भाई ने मेरी बात समझी और उन्होंने अपने, मैंने बोला कि जो भी सपोर्ट हो सके करे। मनोज भाई आप मेरे लिए भगवान थे, उस वक्त आपने मेरा सपोर्ट किया, जिससे शुक्रिया हाथ जोड़कर आपसे आपको निवेदन करता हूं कि आपने उस वक्त इस टेक चैंपियन सपोर्ट को समझा, टेक चैंपियन अंशु मौर्य को समझा, उसके दर्द को समझा जो उस वक्त उसके अंदर था, आपने समझा, आपने वीडियो बनाई, वाकई में बहुत खुशी हुई कि अगर चैनल नहीं आ सका तो कहीं तो सपोर्ट मिला, बहुत खुशी हुई मनोज भाई, दिल से हमारा रिश्ता जो दिल का है वो आज भी बरकरार है और उसे कोई खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने एक मजबूर इंसान जो टूटा हुआ उसको आपने एक उम्मीद दी,
उसको आपने सपोर्ट किया, उसके लिए आप भगवान थे और मेरे लिए भी आप भगवान थे, आपने सपोर्ट किया। आज मैं उस चीज का एहसान मानता हूं और मैं हमेशा बोलूंगा कि नहीं, हां एक टूटे हुए इंसान को अगर किसी ने सपोर्ट किया तो वाकई में एक कुछ सही इंसान होगा ना। आपने मुझे सपोर्ट किया, भले आज हमारे बीच में कुछ भी चल रहा हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन उस वक्त आपने हमें सपोर्ट किया। आज मैं खुल के बोल रहा हूं और हमेशा बोलता हूं, आपने सपोर्ट किया और आज आपने सपोर्ट किया, आपकी ऑडियंस आई, 5 से 6 हजार सब्सक्राइबर्स आए मेरे पास। वीडियो में तो व्यू तो काफी आया लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। जो कुछ लोग हैं जो मुझे देखा, मेरे दर्द को समझा, उन्होंने मुझे फॉलो किया, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देन इसके बाद हम YouTube पर काम कर रहे हैं, मनोज भाई से मिल के आते हैं, फिर से अपने चैनल पे सेम YouTube के बारे में बताते हैं। कॉन्फिडेंस उतना नहीं है क्योंकि अलग लाइन में काम कर रहे हैं, इस लाइन पे काम करना नॉलेज तो बहुत थी लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था कि कैसे काम करना है। फिर से हमने काम किया, एक दो वीडियो में व्यूज आया, इसके बाद फिर से वही पहले वाला रोना, जैसे पहले था वैसे रोना था, ठीक है, लेकिन फिर भी नेवर गिव अप। ना, मौर्य ने कभी भी हारी नहीं मानी और आज भी हारी नहीं मानता, मेहनत करता है, जो कि आपको दिखती है, जो कि हर एक यूट्यूबर को करनी चाहिए। मेहनत करने से कभी हार नहीं मानना। अभी तो आप गिरे भी नहीं है यार, अभी तो आप खड़े हो रहे हैं, मैं तो गिर के खड़ा हूं। एक बार पेड़ पौधे में फल लगे थे, मैं खा रहा था, खाते खाते पेड़ जड़ से खत्म हो जाता है और इसके बाद दोबारा मैं फिर से दोबारा पेड़ लगाता हूं और जीरो से शुरुआत करता हूं। जीरो जानते हैं आप, हर एक चैनल की शुरुआत जीरो से होती है, वैसे ही मैंने इस टेक चैंपियन सपोर्ट की चैनल शुरुआत जीरो से की थी। आज 2 लाख सब्सक्राइबर्स, 2 लाख सब्सक्राइबर के पीछे कितना ज्यादा स्ट्रगल है, मेहनत है, पेशेंस है, डेडिकेशन है, कैसे कैसे करके काम किया गया है वो आपको समझना है। इसके बाद मैं काम करता हूं, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं आती है और फिर किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, मैं काम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि यार, मुझे लगा कि यार ऐसे काम करने से हमें ऑडियंस प्यार नहीं करेगी ना सपोर्ट करेगी। नॉलेज तो बहुत थी और आज भी नॉलेज बहुत है, ठीक है, आज भी चैनल कितने भी खड़े हो जाए मैं खड़ा कर सकता हूं, लेकिन नॉलेज बहुत है, बस तरीका नहीं पता था। तरीके सोचे समझे, एक्टिव रहे ना। और मैंने आज तक YouTube टिप्स में, क्योंकि YouTube टिप्स में मैं आ गया, मैं अलग कैटेगरी में था लेकिन YouTube टिप्स में आया, मैंने हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़े क्रिएटर को फॉलो किया। क्यों, किसी भी लाइन पे हो आप उस कैटेगरी को जरूर फॉलो करें, उससे आपको काफी ज्यादा आइडिया मिलता है। मैंने भी आइडिया लिया, बहुत सारी चीजें कोशिश की, ट्रेंडिंग टॉपिक्स लोगों से मिला, मैंने लोगों का दर्द समझा, फिर मुझे लगा कि यार जैसे मैं भी परेशान हूं, मेरा तो चैनल डिलीट हुआ, वैसे अगर मैं लोगों की मदद करूं, लोगों की हेल्प करूं, शायद उससे उनका फायदा हो, और फिर मैंने वो चीजें स्टार्ट की, मैंने काम किया, कंटिन्यू काम करता रहा, चाहे सर्दी हो, जुखाम हो, बुखार हो, बारिश हो, लाइट हो या ना हो, इंटरनेट हो या ना हो, कैसे भी कर, मैंने काम किया YouTube पर, एक कंसिस्टेंसी से काम किया। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा मेरा अप रहा, कभी डाउन नहीं किया उसको। आज भी आपसे बात कर रहा हूं तो कॉन्फिडेंस मेरा लो नहीं होगा, बिल्कुल हाई पे होगा, क्योंकि मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूं, जो हकीकत है, जो है हर एक यूट्यूबर के अंदर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस हर जगह मैटर करता है भाई साहब, विदाउट कॉन्फिडेंस आप किसी भी चीज को आप प्रूफ नहीं कर सकते। मैंने कमजोरियां पकड़ी, यूट्यूबर्स को टारगेट किया, कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई, बहुत सीजे सर्चेबल कंटेंट जो मेन एक जड़ होती, जड़ को मैंने पकड़ा, जो मैं पहले चैनल पे करता था वही जड़ को मैंने पकड़ा, बेसिक टॉपिक, लोगों की प्रॉब्लम्स को मैंने पकड़ी इस कैटेगरी, वैसे ही आप भी अपनी कैटेगरी में लोगों की प्रॉब्लम्स को पकड़ सकते हैं, बेसिक टॉपिक को पकड़ सकते हैं और आप उस पर काम कर सकते हैं। और आज मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, कुछ भी हो मैं काम कर रहा हूं,
तरीके का भी, एक वीडियो तो जरूर आती है, कभी दो तीन, मैंने वो काम करना स्टार्ट कर दिया। ये नहीं सोचा व्यूज 1000 आ रहा 2000 आ रहा, नो 1000 आए 2000 आए 500 व्यू आए, लेकिन फिर भी वीडियो डालनी है। कंसिस्टेंसी को मैंने मेंटेन किया, काम किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी पता है कुछ ना कुछ तो भाई काम करेगा, या तो कंसिस्टेंसी मेंट करो या तो कंटेंट को बिल्कुल अलग करो, एंटरटेनमेंट बनाओ। अब एंटरटेनमेंट तो हम जोकर तो है नहीं कि हम कॉमेडी वीडियो बना सकते हैं, हम लोगों को हंसाएं, लेकिन फिर भी हमने एक एजुकेशनल, एक टेक, एजुकेशनल प्लस टेक, अगर इस चैनल की बात करें एजुकेशनल प्लस टेक, इस चैनल पे काम कर रहे हैं, दोनों मिक्स है। तो इस पे हमने कंटेंट प्रोवाइड किया, आपके तरीके से हमने बताया, लोगों को टारगेट किया, वीडियोस को टारगेट किया, काम किया, तरीके पता थे, क्लिकेबल थंबनेल टाइटल पे काम किया, लोगों को रोक कर रखा अपनी वीडियो में, लोग हमको पसंद आए, आपने हमें सब्सक्राइब किया, आपने हमें इतना प्यार दिया कि आज इस चैनल पे 2,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा खुश हूं आज मैं, आपको लग रहा होगा खुशी क्या है ना, कि हंसने से हर चीज नहीं होती है, अंदर से खुशी होनी चाहिए, जो चीजें मेरे अंदर है आप लोगों से गुजारिश करता हूं, यही प्यार बनाए रखिएगा हमेशा। और बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों का दर्द को समझा, क्योंकि मैं भी मजबूर था उस वक्त, मनोज भाई ने मदद की, टेक्निकल सार भाई ने सबसे पहले मदद की, उसके बाद मनोज भाई आए, तो कुछ बूस्टअप मिला हमें भी, हमें भी लगा कि नहीं कुछ ऑडियंस से हमें जाना, हमारा फेस आया, कुछ ऑडियंस तक पहुंचा, तभी तो हम काम किए, तो लोगों को लगा नहीं विश्वास है, कॉन्फिडेंस था, वीडियो बना रहे थे, काम कर रहे थे, मेहनत किया हम, उसके बाद बैठे थोड़ी नहीं कि मनोज भाई ने प्रमोट कर दिया तो हम बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे, ना, उसके बाद हमने जी जान लगा के मेहनत किया, वही चीज उसी चीज को देखते हुए हमने एक होप टॉक लॉन्च कर दिया। दर्द बहुत था लोगों के, मैं लोगों के पास मिला भी, आखिर मैं कब तक दौड़ दौड़ के लोगों के पास जाता, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी लाइफ है, मम्मी पापा को भी दर्द होता है, कभी आप घर से ना बाइक से कभी भी 100 किलोमीटर जाके देखना कितने बार मम्मी पापा को कॉल आते हैं आपके कि बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो, मेरे भी माँ बाप है, मेरे भी मम्मी पापा है, भाई है, सिस्टर, सबके कॉल आते हैं, लेकिन मैंने उसको समझाया उस चीज को, लेकिन फिर भी मैं लोगों की मदद किया जाकर, क्योंकि मैं यार ट्रेवल मैं ट्रेन से बस से नहीं कर सकता हूँ यार, अपनी गाड़ी है बाइक, कभी भी कहीं भी कोई गांव से बिलोंग करता है तो वहां अगर सिटी से 30 किलोमीटर जाना है गांव तो कैसे जाऊंगा, तो वहां पर दिक्कत होगी ना साधन की, तो बाइक बेटर ऑप्शन लगा और मैं लोगों के पास जाना चालू किया, देखा दर्द समझा, कुछ दिनों तक काम किया, सपोर्ट भी किया, कितने एक ने इंसान ने मेरी मदद की, वो मनोज दे, उन्होंने स्पेशल वीडियो बनाई, और दूसरे सबसे पहले इंसान टेक्निकल इसरार भाई, दूसरे इंसान मनोज भाई, उन्होंने मदद की, और उसकी मदद के वजह से आज मैं कितने सारे लोगों की मदद कर रहा हूं, क्योंकि एक उस मदद ने मेरे को बदल दिया, मेरे को लगा कि नहीं बहुत सारे यूट्यूबर जो यार काम कर रहे हैं यार, मैं जब देखता था ना लोग मोटिवेट हो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, भले घर में कितना भी पैसा हो यार, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी चीज में 1 साल 1.5 साल 2 साल बर्बाद करता है, वो मेहनत करता है, अगर उससे 4 पैसे नहीं मिलते ना तो उसे बहुत दिक्कत होती है, उस चीज को मैंने समझा, तभी मैंने होप टॉक लॉन्च कर दिया और वहां पर लोगों की मदद करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं हर जगह जा नहीं सकता हूं, तभी मैंने सोचा कि लोग यहां पर आए, उनकी हम खुलकर मदद करें और उसी में मैं काम करूं। तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया हमारे इस चैनल पे 2,00,000 सब्सक्राइबर से। देखिए मैं कोई स्पेशल वीडियो किसी बड़े क्रिएटर से वीडियो लाऊं, कॉन्ग्रेचुलेशन वीडियो, वो मैंने 1,00,000 पे क्या 50,000 पे भी नहीं किया, क्योंकि ये चीजें मुझे पसंद नहीं, मैंने कभी 1 मिलियन भी हुए, मैं 2 मिलियन तक गया कभी कुछ नहीं हुआ मेरे, क्योंकि आज भी वो चीज नहीं है, मेरे को खुशी है कि मेरी ऑडियंस मुझको प्यार करती है, पैसा आज भी मैं उस चैनल पे जितना कमा रहा था उतना ज्यादा आज इससे नहीं कमा रहा, लेकिन फिर भी एक खुशी है, प्यार मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है, तभी मैं काम कर रहा हूँ और ऐसे ही करता रहूंगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, हमारे चैनल पे बनाए रखिएगा, टेक चैंपियन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। जिन लोगों से बात नहीं हो पाती है, कुछ लोगों को लगता है टेक चैंपियन बहुत बुरा है, रिप्लाई नहीं करता इंस्टा पे या फिर कहीं भी रिप्लाई नहीं करता, आप मेरे दर्द को समझ सकते हैं, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है, मैं फिर भी बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ लोगों से बात। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, बस एक चीज बोलना चाहूंगा, YouTube पर
अगर आपका काम अच्छा है, वीडियो अच्छा बना लेते हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया है, फिर भी ग्रोथ नहीं मिल पाई, तो आपको ऑडियंस के सामने आना पड़ेगा। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आप अपनी स्टोरी बता सकें, आपको लोग जान सके, आपको पहचान सके। उसका देने का काम पूरे YouTube हिस्ट्री में मैंने किया, और भले ही उसके बाद कितने भी चैनल ओपन हो जाए, वो मैटर नहीं करता। सबसे पहला इनिशिएटिव मैं था और रहूंगा, और वैसे ही काम करता रहूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लोग निगेटिविटी बोले, कमजोर बोले, छोटा चैनल बोले, कुछ भी बोले, मैं हमेशा करता रहूंगा और आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आप मुझे प्यार करिए ना करिए, लेकिन मैं आपसे जरूर प्यार करूंगा। बाकी आप कमेंट करके बताना आज की ये वीडियो कितना ज्यादा मोटिवेशन थी, और एक बार गिरकर खड़ा हूं इस चीज को अंदाजा करिएगा। अभी तो आप खड़े भी नहीं हुए तो गिरेंगे कहां से, तो उस चीज को थोड़ा सा सोचिए, काम करिए। काम तो करना ही पड़ेगा, टेक चैंपियन कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा, और आपको करने पे मैं मजबूर कर दूंगा, मैं मजबूर करूंगा आपको, क्योंकि YouTube पर पैसा बहुत है। अगर आपने किस्मत बना ली, अगर आप यहां पर सक्सेस हो गए, तो सब कुछ बदल सकते हैं आप, अपना करियर, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके हाथ में ही कि आप किस तरीके से काम कर। उम्मीद करूंगा आज के इस वीडियो को आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा। फिर मिलता हूं एक और कमाल की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।